दिल्ली के रामलीला मैदान में वर्करां नूं संबोधन करदे भाजपा प्रधान अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से हमला करदे कहा कि केजरीवाल सरकार ने सब तो वध भ्रिष्टाचार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जल बोर्ड में घोटाला होया। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 3 सालों में एक भी भ्रिष्टाचार का दोष नहीं लगा। इस तों इलावा उन्होंने केजरीवाल की दिल्ली की कंटीन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने लोगों को सस्ता खाना देने का ऐलान किया पर हाले तक दिल्ली में किसी भी सरकारी कंटीन नहीं दिखाई दे रही। मित्रों 3 साल हो गए, 3 साल में नरेंद्र भाई ने जिस प्रकार से सरकार चलाई है, हमारे विरोधी भी नरेंद्र मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा सकते। मित्रों एक भी आरोप नहीं लगा सकते। एक और, जब हम एमसीडी चुनाव में जा रहे हैं, एक और 10 साल तक यूपीए में रहने वाली कांग्रेस, जिस पर 12 लाख करोड़ के घपले घोटालों का आरोप है, और दूसरी ओर आप पार्टी है जिनकी सरकार दिल्ली में चल रही है, कांग्रेस को निकालकर जब आपको लाए तो दिल्ली की जनता को था कि अब एक अच्छा शासन मिलेगा। मैं वादों पर तो बाद में आता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने किया कहा कि भाजपा वालों ने वादे पूरे नहीं किए, मैं उस पर बाद में आता हूं मित्रों। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल सरकार चली है, आप पार्टी की सरकार चली है, इतने अल्प समय में दिल्ली में कोई भी सरकार ने जितना भ्रष्टाचार नहीं किया, इतना भ्रष्टाचार आप पार्टी की सरकार ने किया है मित्रों।